राज्यसभा आगत हो कृषि बिल लोकसभा बिल गृहीत हो सारी कि राज्यसभा एथपाई सरकार को असुविधार सम्मुखीन होगा पड़पे बिल को एनडीए अंशीदार अकाली दल विरोध करी केन्द्र मंत्रिमंडल इस्तफा देते अकाली दल सदस्य हरसिमरत कौर बादल सेपटे बिल गृहीत करने लगे सरकार समर्थन जोगाड़े व्यस्त बीजेपी निज सांसद व्हीप जारी करपरी विरोधी दल नेता सहित बीजेपी वरिष्ठ नेता कथबार्ता कर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिवसेना और एनसीपी नेता सहित फोन में कथा सहित बिल को समर्थन करने को राज्यसभा 245 सदस्य बीजेपी 86 सांसद अच्छा सरकार को बिल पास करने 122 भोट आवश्यक रही अकाली दल विरोध करने बीजेपी बीजेडी निकट समर्थन नहीं आशावादी अच्छे बीजेडी 9 एआईएडीएमके 9 टीआरएस 7 वाईएसआर कांग्रेस 6 टीडीपी 1 एवं किसी स्वाधीन सभा सांसद समर्थन नहीं सरकार आशावादी रही बिल सपक्ष में सरकार 130 अधिक भोट जोगाड़ कर सफल हो आशा रखिंट सेपटे कंग्रेस 40 सांसद या अकाली दल 3 आम आदमी पार्टी 3 समाजवादी पार्टी 8 बीएसपी 4 सांसद बिल को विरोध करने निश्चित और इस अवसर को लेने के लिए इस बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं क्या वो बताएंगे कि आपने अपने समय में सार्वजनिक निजी भागीदारी को कितना बढ़ावा दिया जितनी हमारे कृषि क्षेत्र को जरूरत थी आपने शायद ये करने का प्रयास नहीं किया और इसीलिए कम पूंजी निर्माण और निजी क्षेत्र के निवेश की कमी के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में आपके समय में सार्वजनिक निवेश 5% से भी नीचे हो गया। इस जिम्मेदारी से कैसे भागोगे? आप किसान को बरगला नहीं सकते, आपको उससे आगे आकर के एक नई ताकत के साथ किसानों को नए तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को बताना होगा। आपको यह बताना होगा कि कृषि क्षेत्र का बुनियादी ढांचा आपके समय से कमजोर क्यों रहा। और इसलिए हमने इन 3 बिलों को लाने का कारण हम अपने कृषि और किसानों को लाभान्वित करने के लिए, उनको अधिक निवेश देने के लिए, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए और उनकी जो वस्तुएं और उत्पाद है उनका मूल्य संवर्धन करने के लिए हम ये लेकर आए। तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो? क्या आप इसलिए विरोध कर रहे हो कि कृषि क्षेत्र में किसान के हाथ में पूंजी की ताकत नहीं आनी चाहिए? महोदय, इस देश के किसान को और इस देश के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या रही? इस देश के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या रही कि हमारे यहां प्रॉपर बजट का आवंटन नहीं हुआ। और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि 2009 से 2014 के दौरान कृषि क्षेत्र के बजट में आपके समय में इस संपर्क अधिक सूचना पाई एवं कृषि बिल रे बीजेडी आभिमुख्य कौन रहिबो इस संपर्क आलोचना करिबा पाई आम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक संदीप साहू। श्रीजुक्त साहू आपको स्वागत। जो भाव वर्तमान राज्यसभा कृषि बिल उपर आलोचना आरंभ हो सारी एपटे बीजेडी निज सांसद मानक उपस्थित रहा व्हीप जारी करी बीजेडी रा व्हीप जारी करने पक्ष तार आभिमुख्य कौन रही पारे आप कौन अनुमान कर गोटे अंशीदार दल शिरोमणि अकाली दल सी आगु मंत्री पदर हरसिमरत कौर जी थे मंत्री सी निज पदर इस्तफा दे सारी यार प्रतिवाद एवं टीआरएस एवं अन्य किसी आंचलिक दल स्पष्ट कर सारी से मैंने बिल विरोध करने तेणुक राज्यसभा पारित हाई बीजेडी रो समर्थन अत्यंत जरूरी हो पड़ी एनडीए कहीं 9 सदस्य अच्छा बीजेडी रो समर्थन न मिलने हुए तो ये बिल टी पारित हो पार नहीं जहां जना पड़ी जहां अनुमान करा जे बीजेडी जो व्हीप आज जारी कर निजर सबू एमपी को राज्यसभा उपस्थित रहा बिल समर्थन नहीं से मैंने भोट देते कहीं आप जानते ओडिशा सरकार दुईट ऑर्डिनेंस आनिया को जाउचंती आगामी जो विधानसभा अधिवेशन रे गोटे हूँ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग उपरे अन्यटी हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उपरे एवं दुईट जाकर आभिमुख्य जहां मोटामोटी केन्द्र जो तीनोटी बिल आज आसब आगत हम राज्यसभा
मोटामोटी से एका आभिमुख्य दुईटी जाक रही केन्द्र सरकार बिल एवं राज्य सरकार ऑर्डिनेंस अध्यादेश तेणुक मु भावना से बीजेडी ताकु विरोध कर कहीं दुई दिन जाकर चिंताधारा मनोभाव यू प्रसंग एका प्रकार भगुच उभय चाहते जे चाषी को केवल गोटे निर्दिष्ट सरकारी व्यवस्था ता उत्पादन को न बिकी मल्टीपल बायर्स अन्य प्राइवेट एजेंसी जो मैंने किणवाक चाहिए जो जो कि भल मूल्य मिल पार उत्पादित द्रव्य पाई बिकी पारे से मुख्य बिल उद्देश्य श्रीजुक्त साहू आउ गोटे कथा जे किसी दल जदि ये गोटे भल व्यवस्था कही पार भल बिल कही पार किसी दल कहीं विरोध कर देखो अनेक आशंका प्रकाश करुचंती ए तीनोटि बिल पारित हो गला परे जो एमएसपी बा सर्वनिम्न मूल्य जो सहायक मूल्य मूल्य घोषणा करती से व्यवस्था आउ रही जदि रही हो किंतु सरकार स्पष्ट कर सारी जिते लोकसभा बिल गुड़ आगत है केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सी स्पष्ट कर सारी राज्य स्तर में जो मंडी गुड़िक खोला जो कि चाषी आग भाई से मैंने बिक्री करें तर उत्पादित द्रव्य तेणुक मंडी बंद होमएसपी सिस्टम बंद किंतु चाषी को गोटे अतिरिक्त मार्केटिंग एवेन्यू बा मार्केटिंग उत्पादित द्रव्य बिकवा आउ गोटे अतिरिक्त चैनल बा अतिरिक्त बायर दिया चाषी उपकृत हो पारे निश्चित भाव में तेज वर्तमान नजर रही राज्यसभा कृषि बिल उपर आलोचना आरंभ हो सारी कौन विरोधी आभिमुख्य कौन बीजेडी आभिमुख्य कौन रहा समस्त नजर रही धन्यवाद श्रीजुक्त साहू अधिक आलोचना करने संदीप साहू थे वरिष्ठ सांबादिक संपर्क में अधिक आलोचना करते हैं जनता चूंकि हम सच के साथ है इसलिए हमको जनता आशीर्वाद देती है एक बार नहीं उजागर होगा मैं आज देश के किसानों को कहना चाहता हूं कि किसानों की कहीं एमएसपी नहीं गई है 2024 तक 8 बार एमएसपी का इश्यू आने वाला और 8 बार इस सरकार की सच्चाई लोगों के सामने आने वाली है और आपका झूठ बेनकाब होने वाला है और इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एमएसपी का इश्यू एक पूरी तरह झूठ के साथ बोला गया है और इसलिए आज इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि भारतीय कृषि को अधिक निवेश बेहतर बाजार संरचना प्रोसेसिंग और निर्यात की आवश्यकता है और इसके लिए नीतिगत समर्थन है ताकि कृषि स्टार्टअप फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी मार्केट मूल्य संवर्धन